अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसरत नूर और आज मैं मौजूद हूं चुंकी अमर सिटो के मेन बाजार में। लोगों से जानेंगे कि वो 14 अगस्त के हवाले से क्या जानते हैं। 14 अगस्त का दिन है तो आप किस तरह से इस डे को मनाते हो, कैसे करते हो, घरों में क्या करते हो, बच्चों को कैसे तैयार करते हो? जाहिर सी बात है, उस दिन घरों में जो है झंडियाँ लगाई जाती हैं, झंडे लगाए जाते हैं और बच्चे जो हैं वो अपने पसंद करते हैं इस चीज़ को कि भाई फ्लैग बना हुआ हो ड्रेस के ऊपर और जो है ना हर चीज़ ग्रीन होनी चाहिए। हर चीज़ ग्रीन होनी चाहिए, उसमें ग्रीन चावल। हाँ फिर वो स्पेशल की, हाँ जी बिल्कुल, बिरयानी होती है, जर्दा होता है, साथ में मिठाई होती है। ये भी एक ईद की सूरत में लोग मनाते हैं इसको। और ये जो लड़के बाइक पर स्प्लेंडर निकाल देते हैं, बाइक के शो होते हैं, वो तो गलत है। नहीं नहीं, वो गलत है, वो गलत है, वो नहीं करते। उनकी जिंदगी को भी खतरा है और लोग जो ना वो इतना जो शोर है वो पसंद नहीं करते, वो पसंद नहीं करते। 14 अगस्त वो दिन है जो हमारे मुल्क में हमें आज़ादी का दिन मिला है, हमारे मुल्क में खुशियां का दिन है। ये देखें साथ हमने झंडे लगाए हुए हैं, बहन के बच्चों की लगाई है, सारा कुछ। ये हमारे मुल्क में खुशी आज़ादी का दिन है। ये आप किस तरह से? हम अपने बच्चों को आज़ादी, जश्न आज़ादी की सारी तैयारी करवा के देते हैं कि वो खुशी खुश रहें। आज़ादी का दिन है, छुट्टी करें, मौज मस्ती करेंगे। इस दफ़ा कोविड है, कोविड की वजह से हम बाहर नहीं जाएंगे, चलें घर में हम बच्चों के साथ जरा खुशियाँ मनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, करम दुआएं। अच्छा मुझे बताइएगा कि 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 14 अगस्त अब करीब आ रही है, 2021 चल रहा है, अब आप किस तरह से 14 अगस्त मनाएंगे और लोगों को क्या मैसेज देंगे? मनानी चाहिए हम लोगों को, उन लोगों को याद करना चाहिए जिन लोगों ने ये कुर्बानियाँ दी हैं, जिन्होंने अजमतें लुटाई हैं अपनी, कुरान का कोई खत्म दुरूद लगाएं, कोई इनके नाम की कोई पर्ची कर मनाएं, कोई इनकी याद ताज़ा करें। हम लोग ये टाँटा टूँटूँ लगा कर, ये झंडियाँ लगा कर, ये कोई ज़ाती नहीं होती। ज़ाती वो है जो कुरान और हदीस के मुताबिक हो। ठीक है, आपकी खुशी है, आप खुशी मनाएं, मगर जो ये हम लोग गंदे घोते फिरते हैं सड़कों के ऊपर बगैर बुरका बगैर नकाब बगैर उसके, ये चीज़ से परहेज करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, मुसलमान जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, मगर उसका अदब करना चाहिए। ये आज़ादी तो एक एक नाम के भी आज़ादी मना रहे हैं लोग, उनसे पूछें जिनके दिलों पे गुजरी आई है। कश्मीर से पूछें, फलस्तीन से पूछें, मुसलमान ममालिक किसी से भी पूछ लें आप, जिन्होंने अजमतें लुटाई हैं उनसे पूछें, जिनकी माँ बहनें गई हैं उनसे पूछें। हम लोगों ने तो क्या किया, हम लोगों ने बस आके वो बस मोटरसाइकिलों की बिजलियाँ निकाल ली हैं, मोटर रोड पर चढ़ गए हैं, टाँटा लगा दी है, ये आज़ादी नहीं है, आज़ादी नहीं मानते। तो क्योंकि उनकी कुर्बानी की वजह से हम अलहदा इस तरह का अलहदा वतन हमको मिला है और ये हमारे लिए बड़ा अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है। मैं देखता हूँ कि जो इंडिया में भी लोग हैं वो काफ़ी हमसे कम तर जिनकी पसंद कर रहे हैं, हमें इनके पाकिस्तान में हमें पाकिस्तान मिला है, हमें अल्लाह पाक का शुक्र करना चाहिए। अल्लाह पाक की यह नेमत है कि हम उनसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। मैसेज देंगे कि जो खासतौर पर लड़कों के लिए जो वोटिंगबाजी करते हैं सिलेंसर निकाल लेते हैं, इससे गुरेज कर। अच्छा, ये बाजा आपसे लेते हैं बच्चे, ये लेते हैं, ये खुद बड़ा इतना शोर करता है, ये तो हमारी मजबूरी है बेचना, ये आपकी मजबूरी है, हमारी मजबूरी और बच्चों की मजबूरी है लेना। खासतौर पे तो बच्चों का ज्यादा बच्चों को ही होता है। इस दफा ये है कि एहतराम से मनाई जाए क्योंकि मुहर्रम के बीच में छठे मुहर्रम को ये ना आ रही है 16 अगस्त। इस बार कितने साल उम्र है? 60-65 साल आपकी उम्र। अच्छा मुझे ये बताएं, आप 14 अगस्त आज़ादी का दिन, 14 अगस्त 1947 आपने बनते देखा पाकिस्तान? हमारे नाना दादे ने, हम इंडिया में रहते थे, उधर से शुमार हो गए इधर आए। अच्छा, पाकिस्तान की बजाय। अच्छा कोई ऐसा वाकया बताएं ना देखने वालों को। मैंने वो गेम देखा जब नेहरू कुत्ता आया, नेहरू जवाहरलाल, इंदिरा गांधी का वक़्त भी देखा और मुजीबर मान का वक़्त, अशोक का भी वक़्त देखा। और बताओ क्या सबसे ज्यादा वक्त किसका अच्छा लगा, दौर किसका अच्छा लगा? और पहले तो कायदे आज़म, हाँ वो बात हुआ, क्या बात, पाकिस्तान के बारे में उन्होंने जिद्दोजहद की, काम किया, मुसलमानों को लहदा किया, दूसरा मनसूबा बकरा किया, बहुत अच्छे बंदे थे। लोग पहले कैसे जिंदगी गुजारते थे जब पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ? वो बहुत ही
टिकट मानते इतना टाइम तक रोकी गाड़ी पास नहीं का पैसा अलग अलग हुए कोई माल पे लगा रहा कोई गाड़ पे लगा रहा कोई मकान बेचारे का एक सब चढ़े चुड़े माशाल्लाह। मतलब आपका तो काफी अमल दखल है पाकिस्तान को बनाने जंग हो रही थी पाकिस्तान को हैट की लोड़ थी हमने सुबह शाम करके हैट दिया लोहे का हैट नहीं होता वो बनाया मेरा साथ मर गया वो आपने बनाया लोगों को दिया लोग अपनी हिफाजत कर अभी भी एक जरा जोरदार सा नारा लगा दें कि पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद पाकिस्तान जिंदाबाद।